कॉलेज में आए तुम लोगों को 2 दिन नहीं हुए और तुम लोग यहाँ सिगरेट पी रहे हो, शर्म नहीं आती क्या? अपने घर का फ्रस्ट्रेशन आप मुझ पे क्यों उतार रही है मैडम? ए क्या बकवास कर रहे हो? मैंने अभी अभी आपको हिंदी में बोला लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? रिस्पेक्ट, औरतों से ऐसी बातें नहीं करते। हे, कौन है तू? मेरे बैकग्राउंड के बारे में पता है? मैं मिनिस्टर का बेटा हूँ, समझा? वो तो ठीक है, सॉरी बोली ने। नहीं बोलूंगा। हे, अब बोलेगा। ए, तू कहाँ जा रहा है? उसकी हेल्प करने के लिए। क्लास खत्म हो गई, चल अंदर। तुम्हें पता है तुमने क्या किया? तुमने मुझे गिरने से बचा लिया। नहीं, तुमने मुझे पकड़ कर गिरा दिया। Excuse me? बिहार में गिराने के बाद excuse me कह रही हो? हाँ? वैसे आज तक तुमने किसी लड़के का हाथ इस तरह से पकड़ा है? नहीं। अच्छी बात है, और आगे भी कभी किसी का हाथ मत पकड़ना। What? धीरे धीरे पता चल जाएगा। अच्छा, तुमने अपना नाम नहीं बताया। आई एम चित्रा। मेरा नाम है विक्रमादित्य। Nice to meet you. आदित्य, pleasure meeting you. ये क्या? मेरा लेफ्ट हैंड हाथ मिला रहा है। चित्रा, एक काम करो, तुम मेरा ये वॉच रख लो, मैं भूल गया हूँ, 1 घंटे बाद मुझे कैंटीन में आकर देना, ओके? मुझे बहुत डर लग रहा है, अब मैं क्या करूँ? डरने की कोई बात नहीं है, मेरा कजिन सेकेंड ईयर में है, वो सब कुछ देख लेगा। हाँ, उसी से तो हिम्मत है। अरे उसी बात का तो डर है, वहाँ विक्रम है। अगर उधर विक्रम है तो तुम तुलसी प्रसाद हो। यही घमंड मैंने फर्स्ट ईयर में भी दिखाया था। ए बिग बैग, जरा इधर आ। क्या है? एक बार जा, फिर से वापस आ। क्यों? सर किसे बुलाएगी? जिसे बुलाना होगा उसे बुलाऊंगी। इस कॉलेज का स्क्वायर फीट कितना होगा? लास्ट ईयर जितना रहा होगा अभी कितना होगा? सुना तूने? लास्ट ईयर कितना था? मुझे क्या पता, मैं तो याद ही नहीं। कूल कूल, तुम जाओ जाओ। आती हूँ। ऐसा करेगी तो नाक ही तोड़ दूंगा। अरे वाह, तुम्हें तो बिना कुछ बोले ही छोड़ दिया, दैट इज तुलसी प्रसाद। मैं भी यही सोचती थी, पर अगले दिन फिर से रोका मुझे। ए रुक जा छोटा भीम। बोल क्या है? इसको सर बोलने की आदत नहीं पड़ी है। आगे हो जाएगा ना। अभी इस कॉलेज का स्क्वायर फीट कितना है? बोला ना, लास्ट ईयर जितना रहा होगा अभी भी उतना ही होगा। हाँ, तुमने बोला तो था, लेकिन लास्ट ईयर कितना? अरे मुझे कैसे पता सर। मैंने बोला था ना ये बोलेगी। ओह, पार्कर पेन है। हाँ सर, पार्कर पेन है। लवली लवली, कैच इट। जाओ सर, पेन दे दो ना। काम तो कैप का है ना। अच्छा बता, फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या होना था, इतने छोटे कैप से पूरे कॉलेज का नाप लेने को बोला। तुझे भी बोला इस वॉच से कॉलेज का नाप लेने के लिए? उससे भी बड़ा प्लान बनाया था। ये चाहिए क्या तुझे? सर, आप वॉच लेना भूल गए थे। ओह, थैंक्स चित्रा। जो चीज तेरे हाथ में होनी चाहिए वो इसके पास कैसे गई? अरे बताया ना, भूल गया था। तू भूल गया था कि इसने ये घड़ी चुरा ली तुझे पटाने के लिए? ऐसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। सच में चित्रा? एक बात बोलूं दोस्त, दुबली पतली लड़कियों पर जरा भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये क्या लॉजिक है यार? खरबूजे तू नहीं समझेगा। अरे ये तो रूट कर चली गई। लड़कियों को एटीट्यूड दिखाने की आदत होती ही है। मेरी दादी अक्सर एक बात कहती थी, अगर किसी को सताना है तो उसे रुलाओ, और अगर किसी का दिल जीतना है तो रोते को हंसाओ। माँ की दी हुई वॉच है यार, 15 दिन से काम नहीं करी है, इस फ्रस्ट्रेशन में था, उसकी फर्स्ट टच में ही स्टार्ट हो गई। सेंटीमेंट, तेरा टाइम आ गया भाई। इस वॉच से मेरा कितना इमोशनल अटैचमेंट है पता है? अगर तुम मुझे ये नहीं देती ना तो
आप इतना ड्रामा क्यों कर रहे हैं सर? आपने ही तो दी थी। बताओ क्यों दिया था? किस लिए दी थी? अरे यही तो पूछ रहा हूँ, क्यों दिया? अरे धीरे धीरे पता चल जाएगा, जाओ। ये मेरी लव स्टोरी का सबसे बड़ा विलन बन गया है। विलन का तो पता नहीं, मगर इसके सपोर्ट के बिना तेरी शादी नहीं हो सकती। है? मेरी शादी में इसकी क्या जरूरत है? वो ऐसा है ना, मंगलसूत्र दोनों हाथों से बांधा जाता है, एक हाथ से नहीं बांध सकते। पता है मेरी दादी क्या कहती थी? भास्कर, तेरी दादी कब मरेगी बे? सर। कौन है बे? प्रिंसिपल सर ने बुलाया है। मुझे? किस लिए? प्रिंसिपल का रूम कहाँ है? लाइब्रेरी के बगल में है सर। वो कहाँ है? लेफ्ट जाके राइट में फोर्थ रूम है सर। थैंक्स। प्रिंसिपल का नाम क्या है? अरे पद्मा रमन नाम है सर, वो हमारे प्यून का नाम है। अच्छा हा? वो प्यून है क्या? रोज हाय हेलो करता है, मुझे लगा प्रिंसिपल है। क्या बात है सर, आपने बुलाया मुझे? तुम्हारे बिहेवियर को लेकर अब तक मेरे पास कोई कंप्लेन नहीं आई है विक्रम, लेकिन आज ये लड़की तुम्हारी कंप्लेन लेकर आई है। तुम इसको फॉलो करते हो, इसे टच करने की कोशिश करते हो, क्या है ये सब? सर फॉलो कर रहा हूँ यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये टच मैंने नहीं किया। ये तो ये बीच में वो कौन है? मतलब मैं भी वही हूँ सर, पर मैं वो नहीं हूँ। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो ये पता नहीं चल रहा है। फाइनली बोल रहा हूँ विक्रम, सुन लो, अगर फिर से ये कंप्लेन आई ना तो आउट कर दूंगा। सर इतनी बड़ी बात बोलने की क्या जरूरत है, ये रिपीट नहीं होगा जिंदगी में, कभी रिपीट नहीं होगा। रिपीट नहीं होगा बोलकर उस लड़की का हाथ पकड़ रहे हो तुम। वो आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे ना सर, इसलिए मैं हाथ पकड़कर वादा कर रहा हूँ सर। चलो हाथ छोड़ो। हाँ सर छोड़ दूंगा। कहाँ जा रहे हो? सर मैं लड़की को अच्छी तरह समझा कर छोड़ दूंगा। हाँ ठीक है ठीक है, ले जाओ, समझा कर छोड़ देना। हाथ छोड़ो। प्लीज छोड़ दे यार। अरे मैं तेरे हाथ छोड़ता हूँ, छोड़ दे। अरे मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम किससे बात कर रहे हो? तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, और आएगा तो भी तुम विश्वास नहीं करोगी। चलो छोड़ो। अरे छोड़ ना यार, तेरे हाथ जोड़ता हूँ मेरे भाई, छोड़। अरे छोड़ भाई। देखा छोड़ दिया। क्या है, थोड़ा अजीब सा लग रहा हूँ ना? यस। ज्यादा नहीं, थोड़ा। अरे चित्रा थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई है ना? वो तो होगी ना, तू भी लाइन मार रहा है, तेरा हाथ भी लाइन मार रहा है। तो अभी क्या करें यार? तू छोड़ दे उसे। अब इसने क्यों मारा मुझे समझ में नहीं आया। यही तो प्रॉब्लम है, अलग हो जाऊंगा तो भी ये चुप नहीं बैठेगा। इस तरह की बातों में तुम दोनों में बड़ी यूनिटी है बे। ऐसी लव स्टोरी को हम ट्रायंगल लव स्टोरी बोलते हैं। ये तो मुझे शाबाशी दे रहा है यार। ये सारी बातें साइड में रख, कोई अच्छा सा आइडिया देना। टाइम पास मत कर, पॉइंट पर आ जा। मैं स्ट्रेटली पॉइंट पर आता हूँ। आ जाओ। थोड़ा डर सा लग रहा है। किस बात का डर? सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा है। ठीक है, मैं बिना डरे सब कुछ बता देता हूँ। मेरे साथ कॉफी पीने चलोगी प्लीज? तुम्हारे साथ? कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। तेरे साथ नहीं, मेरी माँ। सॉरी। सॉरी किस लिए? तुम्हें नहीं, इसको सॉरी। तो फिर मेरा हाथ क्यों पकड़ा? मैंने नहीं, इसने। इससे पूछ।